गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास टेंथ केमिस्ट्री चैप्टर टू में अकार्बनिक यौगिकों का परिचय पढ़ेंगे। बेटा देखिए, अकार्बनिक यौगिकों के परिचय में कुछ यौगिक के बारे में आप लोगों को जो है पढ़ा दिया गया था। जैसे आप जानते हैं, साधारण नमक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि आप लोगों को जो है बता दिया गया था। इसके बाद उसी टॉपिक में हमें आपको एक यौगिक पढ़ना है जिसका नाम आप बेटा बताएंगे, धोने का या धामन सोडा, धोने का या धामन सोडा, जिसे हम आप वाशिंग सोडा या वाशिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, वाशिंग सोडा या वाशिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। जनरली बेटा आप लोग यह जान गए होंगे कि जो धामन सोडा है, यह जनरली आप बता सकते हैं बेटा, हमारे आपके प्रदेश में सज्जी रेह के रूप में पाया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, रेह पुराने समय में लोग रेह से क्या करते थे, कपड़ा को साफ करते थे। उसी प्रकार हम आप लोग यहाँ बता सकते हैं, जो धामन सोडा होता है यह उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जो है बेटा सज्जी रेह के रूप में पाया जाता है, सज्जी रेह के रूप में पाया जाता है, जिसे हम आप लोग वाशिंग सोडा या वाशिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। और इस वाशिंग पाउडर या वाशिंग सोडा का उपयोग हम आप जनरली क्या करते हैं बेटा, बर्तन के धोने में करते हैं और साथ साथ कपड़ा के धोने में भी करते हैं, बर्तन के धोने में भी और कपड़ा के धोने में। तो आइए हम लोग जो है इस टॉपिक में जो है बेटा पढ़ेंगे धामन सोडा या धोने का या धामन सोडा, इसको आप बोल सकते हैं, जिसको आप कपड़ा धोने का साबुन भी कह सकते हो बेटा, यह आप जो है इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आप जानेंगे कि धोने का या धामन सोडा होता है, इसका अणुसूत्र क्या होता है। इसका अणुसूत्र आप बताएंगे, इसका अणुसूत्र Na2CO3 10H2O। आप देख रहे हैं कि इस धोने का या धावन सोडा का जो अणुसूत्र है, इसमें जल के भी क्या है बेटा, 10 अणु हैं, इसे हम आपको जो है बेटा धावन सोडा कहते हैं। ठीक, अब इसका रासायनिक नाम आप देखेंगे तो रासायनिक नाम आपको बताया जाएगा बेटा सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या बताएंगे, सोडियम कार्बोनेट बताएंगे। अब देखिए, इस सोडियम कार्बोनेट का अगर हमें आपको अणुभार निकालना है तो देख रहे हैं बेटा, सोडियम कार्बोनेट में प्रत्येक परमाणुओं का क्या लिखेंगे बेटा, परमाणु भार लिखेंगे, और परमाणु भार लिख करके क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, तो ये आप बता सकते हैं इसका अणुभार है। क्या बेटा, अणुभार है। तो हम आप जो है बेटा यहाँ बता सकते हैं, धावन सोडा का अणुसूत्र Na2CO3 10H2O होता है। रासायनिक नाम आप सोडियम कार्बोनेट बताएंगे, अणुभार आप बताएंगे 266 बताएंगे। इसके बाद बेटा इसकी बनाने की विधि, इसकी बनाने की विधि, तो बनाने की विधि में आप लोग देखेंगे बेटा कि जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, तो हमें आपको NaHCO3+NH4Cl प्राप्त होगा, जिसे आप बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हो, और इसको क्या कहते हो बेटा, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ आप बताएंगे कि पहले स्टेप में अगर हमें आपको धामन सोडा बनाना है तो आप देखिए, धामन सोडा बनाने की यहाँ पर बेटा तीन स्टेप हैं। तीन स्टेप में हम आप लोग क्या करते हैं, इसको प्राप्त करते हैं। तो पहले स्टेप में आप क्या प्राप्त किए हैं बेटा, बेकिंग सोडा। क्या किया है, बेकिंग सोडा।
इसके बाद सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं कि जो बेकिंग सोडा है इसको क्या करते हैं, बेटा गर्म करते हैं। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और जब गर्म करेंगे तो हमें आपको क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी बेटा, मुक्त होगी वायुमंडल में। अब इसके बाद देखते हैं तीसरे स्टेप में कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसे जल में आप क्या करते हैं, बेटा विलेय करते हैं। और जब इसको जल में विलेय करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का हमें आपको क्रिस्टलन प्राप्त होता है, जिसमें जल के कितने अणु होते हैं बेटा, 10 अणु होते हैं। इसलिए हम आप लोग सीधे सीधे यहाँ पर यह बता सकते हैं, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें आपको सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को आप गर्म करते हैं तो हमें आपको धावन सोडा प्राप्त होता है। तीसरे स्टेप में आप क्या करते हैं बेटा, जो सोडियम कार्बोनेट है इसको जब जल में क्या करते हैं, विलेय करते हैं, तो हमें आपको सोडियम कार्बोनेट का क्या प्राप्त होता है, क्रिस्टलन प्राप्त होता है, जिसमें जल के कितने अणु होते हैं बेटा, 10 अणु होते हैं। ठीक, अगला देखेंगे भौतिक गुण। क्या भौतिक गुण? भौतिक गुण में आप ये बताएंगे, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। आपको पहले ही बताया गया जो सोडियम कार्बोनेट होता है यह सज्जी रेह के रूप में पाया जाता है, जो सफेद रंग का होता है इसलिए इसके भौतिक गुण में आप लोग ये बताएंगे, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण है या ठोस पदार्थ है, जो जल में क्या होता है बेटा, विलेय होता है। इसलिए आप यहाँ बताएंगे यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है पहला। दूसरा बताएंगे इसे जल में डालने पर क्या उत्पन्न होती है बेटा, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तीसरा पॉइंट आप बताएंगे इसमें जल के 10 अणु होते हैं, इसमें जल के कितने होते हैं बेटा, 10 अणु होते हैं। अगला आप देखेंगे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में आपको जो है बेटा एक ही पॉइंट इसमें पढ़ना है। रासायनिक गुण में कितने पॉइंट पढ़ना है बेटा, एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, आप इसी को पढ़ लीजिए। तो देखिए सीधे सीधे आप बताएंगे क्रिस्टलीय सोडियम डेका कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाई कार्बोनेट कह रहे हो, इसमें जल के कितने होते हैं, 10 अणु होते हैं। जल के कितने होते हैं बेटा, 10 अणु होते हैं। और इसी को हम आप लोग क्या कहते हैं, उत्फुल्ल। क्या कहते हैं? उत्फुल्ल। सोडियम कार्बोनेट के अणु में जब जल के 10 अणु रहते हैं तो इस यौगिक को आप किस नाम जानते हैं, उत्फुल्ल के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से? उत्फुल्ल के नाम से जानते हैं। इसलिए इसे शुष्क हवा में जब किया जाता है बेटा, खोल दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, जल के 9 अणु क्या होते हैं बेटा, बाहर निकल जाते हैं। जल के कितने अणु बाहर निकलते हैं, 9 अणु बाहर निकलते हैं। और हमें आपको सोडियम कार्बोनेट में जल के क्या होते हैं, 1 अणु प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के अणु में एक जल का कितने अणु होता है, 1 अणु होता है। इसके बाद आप ये बता सकते हैं इस सोडियम कार्बोनेट को जब आप क्या करेंगे, उष्मा देंगे या इसको गर्म करेंगे, इससे क्या होता है, जल के अणु का क्या होता है, निर्जलीकरण हो जाता है और हमें आपको Na2CO3 प्राप्त होता है, जिसे आप क्या कहते हो बेटा, धावन सोडा कहते हो। क्या कहते हो? धावन सोडा। लास्ट टॉपिक देखेंगे उपयोग। उपयोग में आपको ये बताना है कि पहला पॉइंट प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूसरा आप बता सकते हैं पेट्रोलियम के शोधन और धातु के शोधन के रूप में, तीसरा पॉइंट बताएंगे कागज कांच और बोरेक्स उद्योग में, लास्ट आप बता सकते हैं बेकिंग पाउडर के बनाने में, बेकिंग पाउडर के बनाने में। तो आप पहले स्टेप में देख रहे हैं बेकिंग पाउडर कैसे बनाया गया, सोडियम क्लोराइड के जली विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें आपको क्या प्राप्त होता है, बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो यह आप जो है बेटा इस वीडियो में जो है केवल यह पढ़े, धामन सोडा बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उनके उपयोग। इसके बाद इसी वीडियो में हम आप लोग जो है देखेंगे बेटा बेकिंग सोडा बनाने की विधि। देखिए बेटा अब इसके बाद हम लोग जो है इसमें फिर से अगला टॉपिक पढ़ेंगे बेकिंग सोडा।
या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। तो देखिए सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे इसका अणुसूत्र, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र जो होता है बेटा NaSCO3 होता है, NaSCO3। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका अणुभार आपको बताया गया जैसे पिछले यौगिकों के अणुभार बताए गए थे, ठीक उसी प्रकार हमें आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुभार निकालना है। आप यहाँ इसका अणुभार बताएंगे बेटा 84। ठीक, बनाने की विधि, क्या बेटा बनाने की विधि। तो बनाने की विधि आप देखिए जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें आपको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। ये क्या हो गया बेटा, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक, यह प्राप्त होगा। इसके बाद भौतिक गुण आप बताएंगे, यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। अगला, यह जल में विलय होता है। रासायनिक गुण आप बताएंगे बेटा, पहला पॉइंट उष्मा का प्रभाव, दूसरा जल अपघटन, तीसरा अम्लों से क्रिया का, और चौथा बताएंगे धातु तो लवण से क्रिया। तो सबसे पहले आप देखेंगे उष्मा का प्रभाव। उष्मा के प्रभाव में आप यह बताएंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सी ताप पर क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो हमें आपको सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। सेकंड पॉइंट देखेंगे जल अपघटन, जिसको आप हाइड्रोलिसिस के नाम से जानते हो। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या कराएंगे बेटा, जल अपघटन कराएंगे। जब जल अपघटन कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होगा। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसे प्रबल क्षार के नाम से जानते हैं, और कार्बोनिक अम्ल को हम आप लोग क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल के नाम से। यह आप बता सकते हैं इसको प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, और इसको क्या कहेंगे बेटा, दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल, इसको क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे। तीसरा पॉइंट बताएंगे अम्लों से क्रिया। अम्ल के नाम आप जानते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, SNO3 है। तो हम आप लोग क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो हमें आपको सोडियम सल्फेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। इसके बाद लास्ट देखेंगे धातु लवण से क्रिया। धातु लवण से क्रिया का जो रासायनिक समीकरण बेटा, देखेंगे जिंक सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जिंक सल्फेट से कराएंगे तो हमें आपको जिंक कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। लास्ट आप देखेंगे बेटा उपयोग में बता सकते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जा रहा था, ठीक उसी प्रकार आप जो खाने का सोडा होता है जिसे आप बेकिंग सोडा कहते हो, इसका भी उपयोग हम आप लोग बता सकते हैं बेटा किस रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। इसके बाद प्रति अम्ल के रूप में, तो कहने का मतलब यह है पेट की अम्लीयता को दूर करने में, अगर हमारे आपके पेट में बेटा एसिडिटी हो जाती है, उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए खाने का सोडा आप लेंगे तो एसिडिटी क्या होती है बेटा, दूर हो जाती है, इसलिए आप उसको बता सकते हैं प्रति अम्ल अर्थात एंटासिड के रूप में। अगला बताएंगे झाग की गोलियों के बनाने में, परिवार नियोजन गोलियों के बनाने में, फैमिली प्लानिंग में आप बता सकते हैं झाग की गोलियों के बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आग संयंत्र में, आग को बुझाने में भी क्या करते हैं आप बताएंगे बेटा, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला बता सकते हैं धावन सोडा के रूप में, धावन सोडा के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आप बेटा जो है इस वीडियो में बेकिंग सोडा और धावन सोडा बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, आप इसको विधिवत
एक बार दो बार रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद इसको खुद से लिखिए और इसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी लिखने की, और परीक्षा में अगर रासायनिक समीकरण पूछते हैं तो अभी आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। इसलिए आपको इसको याद करना है, रटना है, जिससे यह किसी भी हालत में आपका रासायनिक समीकरण गलत न हो। तो यह वीडियो आप जो है ज़रूर देखिए। धन्यवाद।